हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे बीच में भाविका जी बैठी हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा एकदम बम्पर रिजल्ट दिया इस बार। नवंबर 2022 सीए फाइनल में इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 49th सिक्योर किया है। और सबसे अच्छी बात इसमें मुझे ये लगती है कि हाईएस्ट मार्क्स इनको एसएफएम पेपर में मिला है, जो कि ये 80% मार्क्स। मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप एसएफएम में सही से आप मेहनत करेंगे, सही क्लास के अप्रोच को फॉलो करेंगे, तो आप 100% मार्क्स भी सिक्योर कर सकते हैं। भाविका जी ने साबित कर दिया कि अगर सही कॉन्सेप्ट है तो हर पेपर में उन्होंने अच्छे मार्क्स सिक्योर किए और एसएफएम में एक्स्ट्राऑर्डिनरी उन्होंने मार्क्स सिक्योर किया है। तो मैं पूछना चाहूंगा भाविका जी से, एसएफएम में आपने ऐसी क्या तैयारी की? ऑल इंडिया रैंक जो आपने अचीव किया, आपको कितनी खुशी मिली है? क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रैंक आएगा कि नहीं आएगा? और एसएफएम में एग्जाम में आपका पेपर कैसा हुआ? प्रिपरेशन कैसी रही? स्टॉक मार्केट और जो मोटिवेशन हम क्लास में देते थे वो कैसा लगा? ओवरऑल अपने बारे में बताइए। और एसएफएम क्लास आपको किसने लेने के लिए कहा कि आपको आदित्य जैन सर से क्लास लेनी है? थोड़ा उनको भी आप रिगार्ड दीजिए यहाँ पर, क्योंकि उनकी वजह से ही आप आज मेरे स्टूडेंट बन पाए हैं और आपने इतना अच्छा सिक्योर किया है और ऑल इंडिया रैंक आप लेकर आए हैं। हाय, मेरा नाम भाविका है। आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 49 इन दिस नवंबर 22 अटेम्प्ट। मैंने एसएफएम के लिए आदित्य जैन सर के लेक्चर्स लिए थे। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था कि इनके नोट्स बहुत ज्यादा ही अच्छे हैं एंड लास्ट डे पे बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, जो कि एक्चुअल में वैसा ही रहा। इनके नोट्स स्टडी करके ही भले ही लास्ट डे पे ऑफकोर्स अगर मैं सम्स भी ना देखूं, बट आई वॉज एबल टू गेट थिंग्स राइट इन माई एग्जाम, विच हेल्प मी गेट 80 मार्क्स इन एसएफएम। टॉकिंग अबाउट हाउ आई स्टडीड एसएफएम, तो मैंने ज्यादा सबसे पहले तो मैंने सबसे ज्यादा लेक्चर के दरमियान ही कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अलग लेवल पे हो गई थी, सो विच ऑल्सो हेल्प मी यू नो लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करने में भी इट वॉज रियली हेल्पफुल, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट जो है लेक्चर्स में काफी हद तक क्लियर हो गए थे। के जो नोट्स भी रहते हैं उसमें हर एक चीज बहुत ही ज्यादा डिटेल में रहती है, विच इज इन लाइन विथ माई स्टडिंग स्टाइल। मुझे डिटेल में पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है, तो विच हेल्प मी अलॉट टू हैव द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दैट आई गॉट। साथ ही साथ उसके बाद मैंने प्रैक्टिकल सॉल्विंग करने लगी, तो एबीसी कैटेगरी तो रहता ही है, उसके बेसिस पे आई मेड इट लाइक माई प्रैक्टिस। फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, जितनी भी 2 टाइम्स मैंने किया था, तो उस अकॉर्डिंग एबीसी कैटेगरी हेल्प मी टू यू नो सॉर्ट आउट इन माई सेकेंड रिविजन। टॉकिंग अबाउट माई ऑल इंडिया रैंक, मुझे मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एसएफएम में इट एडेड टू माई स्कोर एंड जिसके कारण आई गॉट अ रैंक। वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मतलब मजा आपके पूरी फैमिली में खुशी को खुशियों का लहर दौड़ गया होगा और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब ऑल इंडिया रैंक से बात करना हम लोग को बहुत प्राउड फील होता है और बहुत अच्छा लगता है जब क्लास में हम लोग जब पढ़ाते हैं और इतने अच्छे मार्क्स आपके आए हैं एसएफएम में, तो और भी ज्यादा खुशी दुगनी हो जाती है। तो आगे चलकर आपको फाइनेंस लाइन में जाना है, आगे और अपना करियर बनाना है, आगे और आपको बहुत अचीवमेंट हासिल करनी है। आप जरूर हमसे टच में रहिएगा, आप दिल्ली जरूर आए तो जरूर मिलेगा, ताकि हम आपको प्राइस दे सकें और आपको और अपने स्टूडेंट से मिला सकें। बड़ी बड़ी कंपनीज में आपका भी नाम होने वाला है, आपके बहुत सारी अभी आपकी अच्छी से अच्छी पोस्टिंग लगने वाली है, उन सब के लिए मुझे बहुत बहुत बधाई देना है आपको, क्योंकि आप बहुत आगे बढ़ने वाले हैं जिंदगी में। आपने एक मुकाम हासिल किया विद ऑल इंडिया रैंक, अभी आपके जिंदगी में हमेशा आपके साथ रहेगा कि आप एक रैंक होल्डर थी, और मुझे बहुत प्राउड फील होगा। और मैं भी आप लोगों को कभी भी, मतलब हमेशा क्लास में मैं आप लोगों का नाम बोलता ही हूँ, हम हर एक रैंक होल्डर का नाम बोलते हैं, चाहे वो रैंक 1 क्यों ना हो, रैंक 2 क्यों ना हो, रैंक 3 क्यों ना हो। मुझे अपने टीचिंग करियर में हर एक प्रकार के रैंक मिले हैं और इनफैक्ट मुझे 100% मार्क्स आपके सब्जेक्ट में 100% मार्क्स भी स्टूडेंट ने सिक्योर किया है, और मुझे आज भी उतनी खुशी मिलती है आपके मार्क्स देख के। मुझे लगता है कि नहीं, ये मेरे मार्क्स है और मेरी मेहनत सफल हुई। तो लास्ट में क्या बोलना चाहेंगे आप स्टूडेंट्स को, एक लाइन जो आप कहना चाहेंगे? आई थिंक खुद को इमोशनली ज्यादा स्टेबल रखना इज द की टू गेट सीए फाइनल क्लियर, नॉट ओनली सीए फाइनल बट द एंटायर सीए कोर्स क्लियर। सो आई गेस वो खुद को उतना अंडरस्टैंडिंग और कंफर्ट देना व्हाइल स्टडीइंग इज द की टू रियली सक्सीड इन दीज एग्जाम्स।
चलो ग्रेट ग्रेट, ठीक है फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, और आप भी इतना ही अचीवमेंट करिए, और आप भी मुझे मौका दीजिए कि आप सबका मैं इंटरव्यू ले सकूं। थैंक यू सो मच।